लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संगठन भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जयपुर के पैडमैन ग्रुप ने सोमवार को पुलिस की मदद से महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स का वितरण किया। ग्रुप के संयोजक आशीष पराशर ने बताया कि इस अवधि में महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही हैं और इस दौरान पुरुष भी उन्हें सैनिटरी पैड्स लाकर नहीं देते, जिसके चलते उन्हें बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसे ध्यान में रखकर राजधानी में पैडमैन ग्रुप बनाया गया है। इसमें 10 दिनों से सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जा रहा है। निर्भया स्क्वाड के जरिए भी सैनिटरी पैड्स का वितरण करने की शुरुआत की गई है। एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा का कहना है कि निर्भया स्क्वाड में सभी महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो कि महिलाओं से बातचीत कर उनकी परेशानी को कम कर सकती हैं। हमारी निर्भया स्क्वाड की टीम महिला ऑफिसर्स की टीम है, जो कि लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जोश को और जुनून को और उत्साह को कायम रखते हुए कर्फ्यू एरिया के अंदर और जयपुर शहर के चप्पे चप्पे में तैनात हो रही हैं, घूम रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं। और अब उसी दौरान हम लोगों ने सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ अपना योगदान दें। और उसके लिए हमने देखा है कि जब क्योंकि राशन सभी जगह मिल रहा है, बांट रहे हैं भामाशाह वगैरह सभी लोग, लेकिन एक अहम चीज़ जो महिलाओं के लिए ज़रूरी है।